वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। और आज हमारे पास है टाटा टियागो और इसमें हम लगा के दिखाने वाले हैं आपको इसके फिक्स वाले हाफ जो कर्टन आते हैं आगे से, जिसमें मिरर देखने की, जो साइड ग्लास देखने की जगह होती है वो वाले। ये टाटा टियागो का किसी भी मॉडल के अंदर कॉमन ही होते हैं और चार दरवाजों के इसमें आते हैं, यानी चारों खिड़कियों के चारों शीशों के जो आते हैं वो आते हैं सेट में, सेट ऑफ फोर होता है। तो आपको एक बार दिखाते हैं इसमें इसके ये फिक्स वाले हाफ कर्टन कैसे इसकी फिटिंग होगी, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कैसे आप इनको खुद से लगा सकते हो, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो से मिल जाएगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको इनको इंस्टॉल करके कि ये कैसे आप लगा सकते हो। बड़ा सिंपल होता है, अंदर की जो डोर बेडिंग है इसके अंदर खाली ये फंस नहीं होते हैं और आगे का इसमें अलग होगा, पीछे का इसमें अलग होगा। आप फिटिंग इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह की, ये ओवरऑल फिटिंग होगी। ये इस डोर बेडिंग में अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा ये अच्छे से फंस गया है, कुछ ऐसा होगा। हल्का फुल्का कहीं से थोड़ा बहुत गैप रह सकता है, नहीं तो ये इतना कवर कर लेगा। और ये जो स्पेस होगा इसका, ये होगा आपका साइड ग्लास देखने के लिए। देखिए आप एक बार दिखा देते हैं आपको ये भी, तो आप ये देखिए, तो इसमें चलते हुए आप आराम से साइड ग्लास को यूं का यूं देख सकते हैं, या आपने कोई पार्किंग की पर्ची वगैरह निकालनी है, कुछ सामान देना है तो इसका लगे लगे आप उसमें दे सकते हैं बाहर की साइड में। और आप जो ये ग्लास है इसको डाउन भी कर सकते हैं ऐसे में ही, तो ये बाहर नहीं उड़ेगा। पूरा ना करें, कहीं हवा के प्रेशर से ना उड़ जाए, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको डाउन कर सकते हैं आराम से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया इसका आगे की ग्लास का। एक बार पीछे वाले का और लगा के दिखाते हैं और फिर दिखाते हैं इसको निकाल के, यानी निकालने का तरीका वैसे सिंपल है, खींचना ही होता है। एक बार आप बैक साइड का देख लीजिए, ओवरऑल विजिबिलिटी देखिए आप दोनों में कितना डिफरेंस है, ये आप देख ही पा रहे हैं। अब ये है इसका बैक ग्लास का, तो इसमें देखिए ये, इसमें ये पूरा का पूरा कवर करेगा। जिसके अंदर पीछे क्वार्टर ग्लास बना होता ना, उन क्वार्टर ग्लास का नहीं आता अगर गैप आ गया तो। अगर क्वार्टर ग्लास नहीं है तो फिर ये इसमें पूरा का पूरा ही अच्छे से कवर कर लेता है। ये है इसकी ओवरऑल फिटिंग जो आप देख ही सकते हैं, लगभग ये 99% इसमें अच्छे से पूरे को कवर कर लेता है। ये यहाँ से इसमें बिडिंग में और ऊपर से भी बिडिंग में फंस गया, जिसका निकलने का कोई चांस नहीं है। कुछ ऐसी इसकी फिटिंग लगने के बाद आपको मिल जाएगी। एक बार आपको निकाल के और दिखा देते हैं, सिंपल तरीका है, आपको ऐसे हल्का सा इसको बेंड करके बाहर की तरफ खींच लेना है और ये बाहर आ जाएगा। आगे वाला और आपको एक बार निकाल के दिखाते हैं, ये इस पीछे वाला द्वारा अगर लगाना हो, मतलब विद इन 20 से 30 सेकंड का काम है इसको लगाने का या निकालने का। आगे वाला एक बार और निकाल लेते हैं, ये बस बाहर की साइड खींचिए और ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर मॉडल के हिसाब से होता है, इसमें कुछ भी यूनिवर्सल वगैरह नहीं होता। हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल डिफरेंट होगा, आपको एक मिनट लगाने में लगेगा, एक मिनट निकालने में। गाड़ी के अंदर बैठ के यार आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो इसका परचेज लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इसके बारे में कोई और क्वेरी है तो आप हमसे वो कमेंट करके ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।